हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था रेनल सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में, और उसके बाद आज जो एक और इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, या जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं PKD, या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं PKD। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या होता है, क्या क्या इसके कोज हो सकते हैं, और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। बात करें इस डिसऑर्डर की, तो सबसे पहले इस वर्ड को आप देखोगे तो आपको इजीली ये पहले ही समझ में आ जाएगा। पॉली का मीन्स होता है मोर देन वन, कोई भी अगर एक से ज्यादा चीज है उसको अपन बोलते हैं पॉली, यानी मल्टीपल मल्टीपल। और सिस्ट का मीन्स आप समझते ही हैं, सिस्ट हो जाना, सिस्टिक यानी सिस्ट। तो अगर किडनी के अंदर मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन इन द किडनी इज नॉन एज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की, क्या इसकी डेफिनेशन होगी। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और PKD इज है, सबसे पहले याद रखना है ये किस टाइप का डिसऑर्डर है, इट्स ए जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका मेन कोज एक ही है, और वो है जेनेटिक्स। ये सिर्फ अपने मदर और फादर में से, अपने जो सन है चाइल्ड है उनमें ट्रांसफर होता है, इसका और कोई अदर कोज नहीं होता। तो किस टाइप का डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर। बात करें इस डिसऑर्डर के अंदर, तो अभी अपन देखा था इस वर्ड में कि पोली यानी मल्टीपल और सिस्टिक यानी सिस्ट। तो जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल सिस्ट इन किडनी। किडनी के अंदर क्या हो जाएंगे, मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर सिस्ट फॉर्मेशन हुआ है तो सिस्ट का क्या क्या हो सकता है, लीड टू मे बी सिस्ट क्या हो सकते हैं, रप्चर हो सकते हैं, फूट सकते हैं, फट सकते हैं। तो रप्चर ऑफ सिस्ट, रप्चर होने के साथ साथ में जो फ्लूड निकलेगा उसके अंदर से, जो सिस्ट के अंदर फ्लूड भरा हुआ है, वो सिस्ट वहां किडनी में क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कोज कर सकता है। तो इन्फेक्शन हो सकता है किडनी के अंदर, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो रप्चर ऑफ सिस्ट, इन्फेक्शन, और जिस एरिया में रप्चर हुआ है, सिस्ट फॉर्मेशन हुआ है, वहां पे क्या बनेगा, स्कार फॉर्मेशन बनेगा। तो स्कार फॉर्मेशन हो सकता है किडनी के अंदर, स्कार फॉर्मेशन, और स्कार फॉर्मेशन होगा तो उसकी वजह से किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी। और उसके साथ में डैमेज नेफ्रॉन जो है, वो जहां भी सिस्ट होगा वहां से नेफ्रॉन क्या हो जाएंगे, डैमेज नेफ्रॉन। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स है जो हमें याद रखनी है, कि मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू जेनेटिक कॉज, और उसकी वजह से सिस्ट रप्चर हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, स्कार फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर नेफ्रॉन क्या हो सकते हैं, सिस्ट की वजह से डैमेज हो सकते हैं। हम देखेंगे आगे सिम्टम्स के अंदर इनको डिटेल में, क्या क्या इनके अदर और सिम्टम कोज हो सकते हैं। तो यहां तक याद रखना है, मेन पहला जो हमें याद रखना है वो है कि किस टाइप का डिसऑर्डर है, इट्स अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक होने की वजह से कोज एक ही है, जेनेटिक्स, मदर टू बच्चों के अंदर ट्रांसफर होगा। और इस कंडीशन को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इट मे बी रिसेसिव और इट मे बी डोमिनेंट, दो टाइप से हो सकता है। तो देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के टाइप्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, टाइप्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डोमिनेंट टाइप का हो सकता है, पहला ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, और दूसरा हो सकता है ऑटोसोमल रिसेसिव सिस्टिक डिजीज। तो पहला अपन देखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो यहां पे पहले बात हमें ये पता होना चाहिए कि ये डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। जब उसका मीनिंग हमें क्लियरली पता होगा तो ही हम आगे इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो बात करें डोमिनेंट और रिसेसिव की, तो बेसिकली आपने देखा होगा जीनोम के अंदर या जेनेटिक्स के अंदर जो आपके जीन होते हैं पेयर्ड रहते हैं हमेशा दो, ये आपका एक जीन और ये दूसरा जीन, ये हमेशा दो जीन एक साथ पाए जाते हैं, XY या XX जो होते हैं। तो अगर इन दोनों में से एक जीन क्या है, अफेक्टेड है, और एक जीन क्या है,
नॉर्मल है, एनी वन इज अफेक्टेड एंड अदर वन इज नॉर्मल, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, डोमिनेंट, जहां पे एक जीन अफेक्टेड होता है और दूसरा क्या होता है, नॉर्मल रहता है। लेकिन दूसरी कंडीशन जहां पे क्या है, आपका जो दो जीन है दोनों ही क्या है, बोथ आर अफेक्टेड, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिसेसिव। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। डोमिनेंट का मींस क्या हो गया, जहां पे एक जीन अफेक्टेड है और एक जीन नॉन अफेक्टेड है, और यहां रिसेसिव में क्या रहेंगे, दोनों जीन आपके अफेक्टेड रहेंगे, उसको अपन बोलेंगे रिसेसिव। बात करें इस कंडीशन में ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में, तो यहां पे मेन बाया, इसका जो अदर नेम कभी कभी बहुत पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसको अपन बोलते हैं एडल्ट एडल्टहुड, आल्सो नोन एज एडल्टहुड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। दो नाम हो सकते हैं, पहला ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और दूसरा आल्सो नोन एज एडल्टहुड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। एडल्टहुड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो मेन ऑनसेट होता है, इसके जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, वो होते हैं अराउंड 30-40 ईयर की एज में। तो मेन जो इसके सिम्टम्स आएंगे वो कब आएंगे, 30-40 ईयर की एज के अंदर सिम्टम्स अपीयर एट 30-40 ईयर्स ऑफ एज। पहला चीज याद रखना है, एज कितनी रहेगी यहां पे, 30-40 ईयर्स। नेक्स्ट अपन बात करें दूसरी कंडीशन की, जो एडल्टहुड आपका पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो है कि सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का डिसऑर्डर, अगर अपन दोनों में बात करें ऑटोसोमल और दूसरा डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर, तो इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप का रहेगा वो कौन सा है, डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो इसको अपन बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के दो टाइप में से सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा रहेगा, आपका डोमिनेंट टाइप का। और ये अराउंड आपको 90% केस में देखने को मिलेगा, ये 90% केस में आपको डोमिनेंट टाइप का देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको एक और कंडीशन यहाँ याद रखनी है कि इस कंडीशन में जब पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो जाएगा, तो उसका एंड रिजल्ट आएगा कि पर्सन किस में चला जाएगा, एंड स्टेज रेनल डिजीज। तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड स्टेज रीनल डिजीज। पेशेंट को एंड स्टेज रीनल डिजीज में जाने के बाद उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, मे बी उसको रीनल ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। तो वो सारा अगर ये पर्सन को हो गया तो उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, बट ये क्रॉनिक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, 3-5 लंबे टाइम के बाद पेशेंट को ये एंड स्टेज रीनल डिजीज के सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है अपना फर्स्ट टाइम का ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज फर्स्ट टाइप। बात करते हैं अपन सेकंड टाइप की, सेकंड है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। सेकंड टाइप है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसकी बात करें तो इसको अपन बोलते हैं इन्फेंटाइल। ये मेनली जो देखने को मिलती है बच्चों के अंदर, इन्फेंट के अंदर देखने को मिलेगी, इसलिए इसको अपन बोलते हैं इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो आल्सो नोन एज इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इन्फेंटाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो सिम्टम्स आते हैं वो कब आते हैं, अराउंड 4-5 मंथ या फिर इन यूट्रो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सिम्टम्स appear in earlier months of life, earlier months or in utero. जब बच्चा यूट्रस में है तब भी इसके सिम्टम आ सकते हैं, या बर्थ के कुछ स्टार्टिंग के जो मंथ रहेंगे आपके उसमें भी आपको इसके सिम्टम देखने को मिल सकते हैं स्टार्टिंग के फेज में। उसके साथ में ये जो टाइप का डिसऑर्डर है बहुत ज्यादा सीरियस डिसऑर्डर होता है, और इस कंडीशन में बच्चे की क्या हो जाती है, बर्थ के जस्ट आफ्टर 3-4 मंथ में बच्चे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे एंड रिजल्ट क्या रहेगा, एंड रिजल्ट
डेथ ऑफ चाइल्ड इन 3 to 4 months। और ये जो डिसऑर्डर है बहुत ही रेयरली डिसऑर्डर रेयर देखने को मिलेगा, रेयर डिसऑर्डर है, बहुत ही कम चांस में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन की बात करें तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। रेयरली आपको रिसेसिव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मोस्टली ये बच्चों में होगा, और बच्चे का जो है एंड रिजल्ट अपन देखेंगे तो बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है अर्ली फेज के अंदर। तो ये था इसके टाइप्स, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के टाइप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स को समझने के लिए आपको पहले किडनी की एनाटॉमी पता होना बहुत ही जरूरी है, और एनाटॉमी अपन ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो किडनी की एनाटॉमी की बात करें, वेरी सिंपल डायग्राम किडनी का, ये आपका आउटर जो किडनी का लेयर है फेसिया, उसके अंदर आपको वेरियस टाइप की स्ट्रक्चर्स अपन ने पहले भी देखी थी, आपके पिरामिड्स पाए जाते हैं इसके अंदर। तो ये स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी अपन ने एनाटॉमी पढ़ ली है, आप अगर अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर को देखें, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये है किडनी की एक सिंपल सा डायग्राम स्ट्रक्चर्स। बात करें अब अपन इस डिजीज की, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो ड्यू टू जेनेटिक कॉज, जेनेटिक कॉज की वजह से किडनी के अंदर क्या हो गए हैं, सिस्ट फॉर्मेशन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सिस्ट फॉर्मेशन हो गया है, इधर भी एक सिस्ट फॉर्मेशन हो गया है, इस सिस्ट इस तरह से मल्टीपल किडनी में क्या हो गए हैं, सिस्ट फॉर्मेशन हो गया है। जब अपन देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे जब मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएंगे तो इसकी वजह से किडनी के स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगी। नॉर्मली अपन देखें तो ये लेयर जो थी यहाँ पे थी, ग्रीन लेयर जो आपको दिख रही है, लेकिन अब आप देखोगे तो किडनी की साइज क्या होगी, यहाँ पहुंच गई, इतना बड़ा आपको क्या देखने को मिलेगा, किडनी की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी साइज जो है वो आपको इतनी बड़ी। तो पहला जो सिम्टम आपको याद रखना है वो यही है कि जब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की वजह से मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन होगा तो किडनी की साइज क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो पहला सिम्टम क्या रहेगा, सिम्टम्स के अंदर या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स, सिम्टम्स में सबसे पहले एनलार्ज किडनी। जब किडनी एनलार्ज हो जाएगी और उसको अपन पालपेट करेंगे, हाथ से टच करके देखेंगे, तो आपको वहां पे क्या फील होगा, एक मास वाली, मास लाइक स्ट्रक्चर्स फील होगी। तो पालपेशन पे आपको क्या फील होगा, एब्डोमिनल मास। जब बॉडी के अंदर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर्स एनलार्ज होकर आपकी एब्डोमिनल केविटी में आ जाती है, वहां रहती है, तो आपको एब्डोमिनल बहुत ही फुलनेस फील होता है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर एब्डोमिनल प्रेजेंट है तो उससे क्या होता है, एब्डोमिनल आपको लगता है फुल फुल फुला हुआ है, भरा हुआ है किसी चीज से। तो यहाँ पे भी पर्सन को कैसा लगेगा, एब्डोमेन फुलनेस, एब्डोमेन फुलनेस, एब्डोमेन फुलनेस फीलिंग आएगी। उसके अलावा ये तो कुछ कॉमन सिम्टम्स जो आपको पालपिटेशन या ऑब्जर्वेशन से आप याद रख सकते हो। उसके बाद में जब किडनी एनलार्ज हो जाएगी, किडनी के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, सिस्ट जब रप्चर होंगे तो पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा ऑब्वियसली। तो पेशेंट को क्या रहेगा, पेन रहेगा, कौन से रीजन में, जहां किडनी आपकी सिचुएट होती है, ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था, फ्लैंक रीजन में पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा। तो पेन एट फ्लैंक रीजन, फ्लैंक रीजन से पेन और कहां हो सकता है, लंबर रीजन के अंदर, और उसके अलावा पेन कहां हो सकता है, एब्डोमेन के अंदर। तो इन रीजन में क्या होगा, पेशेंट को सीवियर टाइप का पेन देखने को मिलेगा जब पेशेंट का किडनी एनलार्ज हो जाएगा, वेरियस टाइप के सिस्ट फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जब सिस्ट रप्चर होगा, जब ये सिस्ट यहाँ पे जो फॉर्म हो रखा है, ये सिस्ट यहां से जब रप्चर होगा तो यहां से जो फ्लूड है वो कहां आएगा, बाहर लीक आउट करेगा, और मे बी ये इंटरनल रप्चर होके अंदर की तरफ भी फ्लूड क्या होगा, लीक होगा, और फ्लूड आएगा आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। तो ये सिस्ट जब रप्चर होगा, तो रप्चर होने की वजह से सिस्टिक फ्लूड बाहर आएगा, और सिस्टिक फ्लूड क्या कर सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन कोज कर सकता है। तो और क्या हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के साइन आपको देखने को मिलते हैं। बात करें इन्फेक्शन के साइन की, तो मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन के साइन होते हैं वो होता है आपका फीवर, पेशेंट को क्या आएगा, फीवर, उसके साथ चिल्स, कपकपी होगी।
तो ये सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे ड्यू टू इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि आपका सिस्ट क्या हो गया, रप्चर हो गया और सिस्टिक फ्लूड आपके यूटीआई के अंदर पहुंच गया, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आ गया है। अब जब आपका जो सिस्ट है वो रप्चर होगा तो इसके अंदर जो ब्लड है वो भी वहां से लीक आउट होगा और ब्लड किसके अंदर मिक्स हो जाएगा, यूरिन के अंदर, यहां से सिस्टिक फ्लूड के साथ में और क्या आएगा आपका, ब्लड भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और जब ब्लड यूरिन के अंदर आएगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन जहां पे यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंट हो उसको अपन बोलते हैं हीमेचूरिया। तो और क्या देखने को मिलेगा आपको, अदर सिम्टम हीमेचूरिया देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। हीमेचूरिया के साथ में जो आपका फिल्ट्रेशन है वो फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेरियस टाइप के वहां पे आपको सिस्ट की वजह से पोर्स बन गए, बहुत मल्टीपल पोर बन गए, तो उसकी वजह से फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ से ज्यादा फिल्टर होके जो यूरिन फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा यूरिन बनेगा और उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, पोली यूरिया। पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, पोली यूरिया, बहुत ही ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगा पेशेंट के, तो पोली यूरिया देखने को मिलेगा। जब बॉडी के अंदर पोली यूरिया हो जाएगा, बहुत एक्सेसिव वाटर लॉस होगा, तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन पेशेंट हैज हाइपोवोलेमिया। और हाइपोवोलेमिया होगा तो ये हाइपोवोलेमिया वाला ब्लड जब किडनी के पास पहुंचेगा तो किडनी सेंस करेगी कि बॉडी के अंदर वॉल्यूम क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो आपका एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसको अपन बोलते हैं रास सिस्टम। ऑलरेडी अपन ने इसके ऊपर एक लेक्चर पढ़ा था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये सिस्टम एक्टिवेट होगा और ये एक सिस्टम क्या करेगा, रेनिन रिलीज करेगा और ये रेनिन क्या करेगा, हाइपरटेंशन, पर्सन के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन। तो हाइपोवोलेमिया, उसके साथ में बॉडी के अंदर क्या रहेगा, हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जब यहाँ से एक्सेसिव अमाउंट में वाटर और जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है उसके साथ में जब पोर्स इंक्रीज, साइज बड़ी होगी, तो वहां से क्या होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन भी आपको लीक आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और प्लाज्मा प्रोटीन अगर यूरिन में आएंगे तो उसको अपन बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। प्रोटीन यूरिया क्यों, क्योंकि सिस्ट की वजह से लेयर डैमेज हो गई और वहां से क्या हो रहा है, वेरियस टाइप के आपके जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो भी लीक आउट होके ब्लड के अंदर मिक्स, सॉरी यूरिन के अंदर मिक्स होके एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो गए, तो वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अपन बात करें, जब बॉडी वेरियस टाइप के जो किडनी का फंक्शन है जब अल्टर्ड हो जाएगा और किडनी वेरियस टाइप के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको फिल्टर नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी, तो उस कंडीशन में किडनी के अंदर क्या फॉर्मेशन हो सकता है, रिनल कैलकुलाई फॉर्मेशन होने के चांसेस भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रिनल कैलकुलाई भी फॉर्मेशन हो सकता है और रिनल कैलकुलाई भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सारे थे वेरियस टाइप के सिम्टम्स पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा किडनी क्या होगी, एनलार्ज हो गई है। एनलार्ज को जब अपन पालपेट करेंगे तो एक एब्डोमेन में मास लाइक स्ट्रक्चर्स फील होगा, उसके अलावा पेन होगा पेशेंट को एनलार्जमेंट की वजह से, जब सिस्ट रप्चर हो जाएगा तो पेशेंट को पेन देखने को मिलेगा। उसके अलावा जब रप्चर सिस्ट होगा तो वहां से ब्लड लीक करेगा और पेशेंट को हीमेचूरिया हो जाएगा, जो सिस्टिक फ्लूड आएगा तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा, फीवर चिल्स आएगा। उसके अलावा जो किडनी है अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी, उसकी वजह से रिनल कैलकुलाई फॉर्मेशन हो सकता है। किडनी है जो हाइपोवोलेमिया की वजह से रेनिन रिलीज करेगी और पेशेंट को बार बार क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा इसके सिम्टम्स पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हम इसको कैसे असेसमेंट कर सकते हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। असेसमेंट की बात करें तो ऑलरेडी अपन ने कोज की बात करी थी और कोज के अंदर जो मेन कोज था वो था जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि फैमिली हिस्ट्री लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे असेसमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री जब अपन कलेक्ट करेंगे तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि मदर या फादर में से कोई ना कोई अफेक्टेड पहले से ही था और उनकी वजह से क्या हो गया, उनके ऑफस्प्रिंग उनके अंदर भी क्या देखने को मिल रहा है, आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज देखने को मिल रही है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, किडनी को पालपेट करके देख सकते हैं,
असेसमेंट करेंगे और उसमें क्या करेंगे, पाल्पिटेशन करेंगे, और पाल्पिटेशन करेंगे तो उसमें आपको क्या फील होगा, एनलार्ज किडनी, या अपन बोल सकते हैं हार्ड मास, मास लाइक स्ट्रक्चर्स आपको, नॉट हार्ड, मास लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये किसको इंडिकेट कर सकता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को इंडिकेट कर सकता है। उसके अलावा लास्ट में जब कंफर्मेशन की बात करें तो उसके लिए अपन यूज करेंगे अल्ट्रासाउंड यूएसजी करेंगे, और उससे क्या हो जाएगा, पेशेंट का कंफर्मेशन हो जाएगा कि पेशेंट को वेरियस टाइप के सिस्ट फॉर्मेशन हो रखा है। तो यूएसजी कंफर्मेशन के लिए आप करेगा अल्ट्रासाउंड, रेनल का अल्ट्रासाउंड करेंगे अपन यूएसजी, और उससे इजीली पता लगा लेंगे कि पेशेंट को किस टाइप का पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो रखा है या कोई अदर फाइंडिंग है। नेक्स्ट अपन बात करें इसका मैनेजमेंट। बात करें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की, तो इसको अपन डेफिनेटिव कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, 100% इसको क्योर हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोज क्या है, जेनेटिक कोज है, और जेनेटिक कोज को ट्रीट नहीं किया जा सकता है, वो अनट्रीटेड रहेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेशेंट को सपोर्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सपोर्टिव मैनेजमेंट के अंदर अगर मेन अपन कंसर्न देखें तो पहला क्या हो रहा था, हाइपरटेंशन हो रहा था। तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को अपन क्या दे सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। उसके अलावा पेशेंट को पेन होगा तो पेन को ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग दे सकते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग। उसके अलावा पेशेंट को इन्फेक्शन हो रखा है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को इन्फेक्शन वाली कंडीशन में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी। उसके अलावा जो पेशेंट का सिस्ट है अगर वो रप्चर हो गया है, बेसिकली अपन देखें तो जो सिस्ट का पेन होगा वो जब पेशेंट रेस्ट करेगा तो उस टाइम पेन कम होगा, और पेशेंट जब काम करेगा, एक्टिविटी करेगा, तो पेन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एडवाइज करेंगे कि पेशेंट क्या कर सकता है, रेस्ट करें, तो रेस्ट, बेड रेस्ट एडवाइज करेंगे जो, ताकि उसको पेन नहीं हो। अगर सिस्ट रप्चर हो गया है तो भी हमें क्या करना है, बेड रेस्ट ही देना है, क्योंकि रप्चर वाली कंडीशन में अगर और मूवमेंट किया तो और ज़्यादा क्या होगा, ब्लीडिंग होगा और ज़्यादा इमेच्योरिया हो सकता है। तो हमें क्या पेशेंट को करना है, बेड रेस्ट कराना है। उसके अलावा पेशेंट को क्या कर सकते हैं, अपन जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर अपन पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे, और उससे जो भी जेनेटिक डिजीज है उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन मदर फादर की क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो ये था वेरियस, अगर यहाँ पे एक और कंडीशन की, पेशेंट को अगर ज़्यादा पोलीयूरिया हो रहा है, अगर बॉडी में हाइपोवोलेमिया हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को वाटर एंड जो सोडियम है उसका क्या करेंगे, इनटेक ज़्यादा कराएंगे, ताकि जो हाइपोवोलेमिया हो रहा है वो क्या हो जाए, जल्दी से ट्रीट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सोडियम एंड वाटर इनटेक, ताकि पेशेंट को क्या रहे, हाइपोवोलेमिया इजीली ट्रीट हो जाए और आपके अदर कंडीशन देखने को वहां पे नहीं मिले। तो ये था वेरियस टाइप के इसका मैनेजमेंट, हम कैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को मैनेज कर सकते हैं। 100% इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अपने पास जो कोज है वो क्या है, जेनेटिक कोज है, और जेनेटिक कोज को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो ये था पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ब्रीफली अपन बात करें तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें किडनी में क्या हो जाएंगे, मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन होगा, मल्टीपल सिस्ट की वजह से किडनी एनलार्ज हो जाएगी, एनलार्जमेंट की वजह से जो पेशेंट को वेरियस टाइप के एब्डोमिनल पेन हो सकता है, प्लांट रीजन में पेन हो सकता है, सिस्ट रप्चर होने से हिमेचूरिया हो सकता है, उसके अलावा पोलीयूरिया हो सकता है, हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगा पेशेंट को। तो ये सारे इसके सिम्टम। उसके अलावा असेसमेंट के लिए अपन अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, पाल्पिटेशन कर सकते हैं, और लास्ट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में इसको सपोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें बीपी कम कर सकते हैं अपन पेशेंट को, एंटी हाइपरटेंसिव देके, पेन को लिए एनाल्जेसिक दे सकते हैं, और इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं। तो ये सब था पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में।
नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जो नेक्स्ट अपने डिजीज पोर्शन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको किसी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।